मोदी नगर के निवाड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सारा में सरकारी तालाब की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए मदरसे को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। मोदी नगर के हिंदू संगठनों ने विशेषकर विशेष समुदाय के द्वारा तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था और ये आरोप लगाया गया है और तहसील परिसर में हंगामा भी किया गया था। मुस्लिम समुदाय के द्वारा अवैध रूप से चलाए जा रहे मदरसे के विरोध में सामाजिक संगठन पहले भी तहसील और उप जिलाधिकारी का घेराव कर चुके थे, लेकिन कोई निर्णायक निर्णय नहीं लिया जा पा रहा था, जिसके बाद एसडीएम मोदी नगर संतोष राय ने आश्वासन देते हुए जल्द उचित कार्रवाई का भरोसा दिया था, जिस पर तहसील प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। एक तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत है, उसी क्रम में जांच की गई और तहसीलदार द्वारा इस पर बेदखली का आदेश पारित किया गया है, तो जिसके खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार द्वारा मुझे बताया गया कि उन्होंने पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र दिया है और उसकी सुनवाई करके तत्काल प्रकरण को निस्तारित करने हेतु उन्होंने मुझे बताया है और मौके पर ही जाके उन्होंने कहा है कि मौके पर ही जाके हम प्रकरण को निस्तारित कराएंगे। नहीं, हमने पहले भी संज्ञान लिया था और इसीलिए तत्कालीन लेखपाल तहसीलदार ने एक आदेश पारित कराया, लेखपाल की रिपोर्ट पर आदेश पारित हुआ था, लेकिन विपक्षी द्वारा पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र दिया गया है जो कि तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन है, उसके निस्तारण के पश्चात ही कोई